बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह ताला की लिखी हुई शोहराए आफाक किताब दीनियात, जिसका तर्जुमा 40 से ज़ायद ज़ुबानों में हो चुका है और दुनिया के कई ममालिक में यह किताब बतौर निसाब पढ़ाई जाती है। यह किताब ख़ास तौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा के लिए लिखी गई है। इस किताब का ऑडियो वर्जन मेंटोर्स एकेडमिया की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इस किताब का आगाज़ करेंगे पहले बाब से, जिसका उन्वान है इस्लाम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस्लाम का नाम इस्लाम क्यों है, यानी हम पहले जानेंगे इस्लाम की वजह तस्मिया। दुनिया में जितने मज़ाहब हैं उनमें से हर एक का नाम या तो किसी ख़ास शख्स के नाम पर रखा गया है या उस कौम के नाम पर जिसमें वो मज़हब पैदा हुआ। मसलन ईसाइत का नाम इसलिए ईसाइत है कि उसकी निस्बत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है। बुद्धमत का नाम इसलिए बुद्धमत है कि उसके बानी महात्मा बुद्ध थे। जरदश्ती मज़हब का नाम अपने बानी जरदश्त के नाम पर है। यहूदी मज़हब एक ख़ास कबीले में पैदा हुआ जिसका नाम यहूदा था। ऐसा ही हाल दूसरे मज़हब के नामों का भी है, मगर इस्लाम की खसूसियत यह है कि वो किसी शख्स या कौम की तरफ मंसूब नहीं है, बल्कि उसका नाम एक ख़ास सिफ्त को ज़ाहिर करता है जो लफ्ज़ इस्लाम के माना में पाई जाती है। यह नाम ख़ुद ज़ाहिर करता है कि यह किसी एक शख्स की इजाद नहीं है, ना किसी एक कौम के साथ मखसूस है। इसको शख्स या मुल्क या कौम से कोई इलाका नहीं, सिर्फ इस्लाम की सिफ्त लोगों में पैदा करना इसका मकसद है। हर ज़माने और हर कौम के जिन सच्चे और नेक लोगों में ये सिफ्त पाई गई है वो सब मुस्लिम थे, मुस्लिम हैं और आइंदा भी होंगे। लफ्ज़ इस्लाम के माना। इस्लाम के माना अरबी ज़ुबान में अतात और फरमाबरदारी के हैं। मज़हब इस्लाम का नाम इस्लाम इसलिए रखा गया है कि ये अल्लाह की अतात और फरमाबरदारी है। इस्लाम की हकीकत। तुम देखते हो कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब एक कायदे और कानून की ताबे हैं। चांद और तारे सब एक ज़बरदस्त कायदे में बंधे हुए हैं जिसके खिलाफ वो बाल बराबर जुम्बिश नहीं कर सकते। ज़मीन अपनी ख़ास रफ्तार के साथ घूम रही है। इसके लिए जो वक्त और रफ्तार और रास्ता मुकर्रर किया गया है उसमें ज़रा फ़र्क नहीं आता। पानी और हवा, रोशनी और हरारत सब एक ज़ाब्ते के पाबंद हैं। जमादात, नबातात और हैवानात में से हर एक के लिए जो कानून मुकर्रर है उसी के मुताबिक ये सब पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और घटते हैं, जीते हैं और मरते हैं। खुद इंसान की हालत पर भी तुम गौर करोगे तो तुमको मालूम होगा कि वो भी कानून कुदरत का ताबे है। जो कायदा उसकी ज़िंदगी के लिए मुकर्रर किया गया है उसी के मुताबिक सांस लेता है, पानी और ग़िज़ा और हरारत और रोशनी हासिल करता है। उसके दिल की हरकत, उसके खून की गर्दिश, उसके सांस की आमोदरफ्त इसी ज़ाब्ते की पाबंद है। उसका दिमाग, उसका मैदा, उसके फेफड़े, उसके आसाब और उजलात, उसके हाथ, पाँव, जबान, आँखें, कान और नाक, गर्ज उसके जिस्म का एक एक हिस्सा वही काम कर रहा है जो उसके लिए मुकरर है और उसी तरीके पर कर रहा है जो उसको बता दिया गया है। ये ज़बरदस्त कानून जिसकी बंदिश में बड़े बड़े सैयारों से लेकर ज़मीन का एक छोटे से छोटा ज़र्रा तक जकड़ा हुआ है, एक बड़े हाकिम का बनाया हुआ कानून है। वो इसी के बनाए हुए कानून की अतात और फरमाबरदारी कर रही है। इस लिहाज से सारी कायनात का मज़हब इस्लाम है, क्योंकि हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि खुदा की अतात और फरमाबरदारी ही को इस्लाम कहते हैं। सूरज, चांद और तारे सब मुस्लिम हैं, ज़मीन भी मुस्लिम है, हवा और पानी और रोशनी भी मुस्लिम हैं, दरख्त और पत्थर और जानवर भी मुस्लिम हैं, और वो इंसान भी जो खुदा को नहीं पहचानता और खुदा का इनकार करता है या जो खुदा के सिवा दूसरों को पूजता है और खुदा के साथ दूसरों को शरीक करता है, हाँ वो भी अपनी फितरत और तबीयत के लिहाज से मुस्लिम ही है, क्योंकि उसका पैदा होना, ज़िंदा रहना और मरना सब कुछ खुदाई कानून ही के तहत है। उसके तमाम आज़ा और उसके जिस्म के एक एक रोंगटे का मज़हब इस्लाम है, क्योंकि वो सब खुदाई कानून के मुताबिक बनते और बढ़ते और हरकत करते हैं। हत्ता कि उसकी वो ज़ुबान भी असल में मुस्लिम है जिसमें वो नादानी के साथ शिर्क और कुफ्र के ख्यालात का इजहार करता है।
उसका वो सर भी पैदाइशी मुस्लिम है जिसको वो ज़बरदस्ती खुदा के सिवा दूसरों के सामने झुकाता है। उसका वो दिल भी फितरतन मुस्लिम है जिसमें वो बेइल्मी की वजह से खुदा के सिवा दूसरों की इज्जत और मोहब्बत रखता है, क्योंकि ये सब चीज़ें खुदाई कानून की फरमा बरदार हैं और उनकी हर जुम्बिश खुदा ही के कानून के मतहत होती है। अब एक दूसरे पहलू से देखो, इंसान की एक हैसियत तो ये है कि वो दीगर मखलूकात की तरह कानून कुदरत के ज़बरदस्त कायदों से जकड़ा हुआ है और उनकी पाबंदी पर मजबूर है। दूसरी हैसियत ये है कि वो अक्ल रखता है, सोचने समझने और राय कायम करने की कुव्वत रखता है और अपने इख्तियारात से एक बात को मानता है, दूसरी बात को नहीं मानता, एक तरीके को पसंद करता है दूसरे तरीके को पसंद नहीं करता, ज़िंदगी के मामलात में अपने इरादे से खुद एक ज़ाब्ता बनाता है या दूसरों के बनाए हुए ज़ाब्ते को इख्तियार करता है। इस हैसियत में वो दुनिया की दूसरी चीज़ों के मानिंद किसी मुकर्रर कानून का पाबंद नहीं किया गया है, बल्कि इसको अपने ख्याल अपनी राय और अमल में इंतखाब की आज़ादी बख्शी गई है। इंसान की ज़िंदगी में ये दो हैसियतें अलग अलग पाई जाती हैं। पहली हैसियत में वो दुनिया की तमाम दूसरी चीज़ों के साथ पैदाइशी मुस्लिम है और मुस्लिम होने पर मजबूर है, जैसा कि अभी तुमको मालूम हो चुका है। दूसरी हैसियत में मुस्लिम होना या ना होना उसके इख्तियार में है और इसी इख्तियार की बिना पर इंसान दो तबकों में तकसीम हो जाता है। एक इंसान वो है जो अपने खालिक को पहचानता है, उसको अपना आका और मालिक तस्लीम करता है और अपनी ज़िंदगी के इख्तियारी कामों में भी उसी के पसंद किए हुए कानून की फरमाबरदारी करता है। ये पूरा मुस्लिम है, इसका इस्लाम मुकम्मल हो गया, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी सरासर इस्लाम है। अब वो जानबूझकर भी उसी का फरमाबरदार बन गया जिसकी फरमाबरदारी वो बग़ैर जाने बूझे कर रहा था। अब वो अपने इरादे से भी उसी खुदा का मती है जिसका मती वो बिला इरादा था। अब उसका इल्म सच्चा है, क्योंकि वो उस खुदा को जान गया जिसने उसको जानने और इल्म हासिल करने की कुव्वत दी है। अब उसकी अक्ल और राय दुरुस्त है, क्योंकि उसने सोच समझकर उसी खुदा की अतात का फ़ैसला किया जिसने उसे सोचने समझने और राय कायम करने की काबिलियत बख्शी है। अब उसकी ज़ुबान सादिक है, क्योंकि वो उसी खुदा का इकरार कर रही है जिसने उसको बोलने की कुव्वत अता की है। अब उसकी सारी ज़िंदगी में रास्ती ही रास्ती है, क्योंकि वो इख्तियार और बेइख्तियारी दोनों हालतों में खुदा के कानून का पाबंद है। अब सारी कायनात से उसकी आश्ती हो गई, क्योंकि कायनात की सारी चीज़ें जिसकी बंदगी कर रही हैं उसी की बंदगी वो भी कर रहा है। अब वो ज़मीन पर खुदा का खलीफा है, सारी दुनिया उसकी है और वो खुदा का है। कुफर की हकीकत। इसके मुकाबले में दूसरा इंसान वो है जो मुस्लिम पैदा हुआ और अपनी ज़िंदगी भर बेजाने बूझे मुस्लिम ही रहा, मगर अपने इल्म और अक्ल की कुव्वत से काम लेकर उसने खुदा को ना पहचाना और अपने इख्तियार की हद में उसने खुदा की अतात करने से इनकार कर दिया। ये शख्स काफिर है। कुफर के असली माना छुपाने और पर्दा डालने के हैं। ऐसे शख्स को काफिर इसलिए कहा जाता है कि उसने अपनी फितरत पर नादानी का पर्दा डाल रखा है। वो इस्लाम की फितरत पर पैदा हुआ है, उसका सारा जिस्म और जिस्म का हर हिस्सा इस्लाम की फितरत पर काम कर रहा है, उसके गिर्दोपेश में सारी दुनिया इस्लाम पर चल रही है, मगर उसकी अकल पर पर्दा पड़ चुका है। तमाम दुनिया की और ख़ुद अपनी फितरत उससे छुप गई है। वो उसके ख़िलाफ़ सोचता है, उसके ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करता है। अब तुम समझ सकते हो कि जो शख्स काफिर है वो कितनी बड़ी गुमराही में मुबतला है। कुफर के नुकसानात। कुफर एक जहालत है, बल्कि असली जहालत कुफर ही है। इससे बढ़कर और क्या जहालत हो सकती है कि इंसान खुदा से नावाकिफ हो। एक शख्स कायनात के इतने बड़े कारखाने को रात दिन चलते हुए देखता है, मगर नहीं जानता कि इस कारखाने को बनाने और चलाने वाला कौन है। वो कौन कारीगर है जिसने कोयले और लोहे और कैल्शियम और सोडियम और ऐसी ही चंद चीज़ों को मिलाकर इंसान जैसी लाजवाब मखलूक पैदा कर दी। एक शख्स दुनिया में हर तरफ ऐसी चीज़ें और ऐसे काम देखता है जिनमें बेनज़ीर इंजीनियरिंग, रियाजीदानी, कीमियादानी और सारी दानाइयों के कमालात नज़र आते हैं, मगर वो नहीं जानता कि वो इल्म और हिकमत और दानिश वाली हस्ती कौन सी है जिसने कायनात में ये सारे काम अंजाम दिए हैं। सोचो और गौर करो, ऐसे शख्स के लिए सही इल्म के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं जिसको इल्म का पहला सिरा ही ना मिला हो।
वो खा कितना ही गौर व फिक्र करे और कितनी ही तलाश और तजस्स में सर खपाए, उसको किसी शोबे में इल्म का सीधा और यकीनी रास्ता ना मिलेगा, क्योंकि उसको शुरू में भी जहालत का अंधेरा नजर आएगा और आखिर में भी वो अंधेरे के सिवा कुछ ना देखेगा। कुफ्र एक जुल्म है, बल्कि सबसे बड़ा जुल्म कुफ्र ही है। तुम जानते हो कि जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म यह है कि किसी चीज से उसकी तबीयत और फितरत के खिलाफ जबरदस्ती काम लिया जाए। तुमको मालूम हो चुका कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की ताबे फरमान हैं और उनकी फितरत ही इस्लाम यानी कानून खुदावंदी की अताअत है। खुद इंसान का पूरा जिस्म और उसका हर हिस्सा इसी फितरत पर पैदा हुआ है। खुदा ने इन चीजों पर इंसान को हुकूमत करने का थोड़ा सा इख्तियार तो जरूर दिया है, मगर हर चीज की फितरत यह चाहती है कि उससे खुदा की मर्जी के मुताबिक काम लिया जाए। लेकिन जो शख्स कुफर करता है वो इन सब चीजों से उनकी फितरत के खिलाफ काम लेता है। वो अपने दिल में दूसरों की बुजुर्गी और मोहब्बत और खौफ के बुत बिठाता है, हालांकि दिल की फितरत यह चाहती है कि उसमें खुदा की बुजुर्गी और मोहब्बत और खौफ हो। वो अपने तमाम अज़ा से और दुनिया की उन सब चीज़ों से जो उसके इख्तियार में हैं खुदा की मर्जी के खिलाफ काम लेता है, हालांकि हर चीज़ की तबीयत यह चाहती है कि उससे कानून खुदाबंदी के मुताबिक काम लिया जाए। बताओ, ऐसे शख्स से बढ़कर और कौन जालिम होगा जो अपनी ज़िंदगी में हर वक्त हर चीज़ पर हत्ता के खुद अपने वजूद पर भी जुल्म करता रहे। जुल्म सिर्फ यही नहीं कि तुम कुफ्र करते रहो, बगावत और नाशुक्री और नमक हरामी भी जुल्म है। ज़रा गौर करो, इंसान के पास खुद अपनी क्या चीज़ है? अपने दिमाग को उसने पैदा किया या खुदा ने? अपने दिल, अपनी आँखों और अपनी ज़ुबान और अपने हाथ पांव और अपने तमाम अज़ा का वो खुद खालिक है या खुदा? उसके गिर्दोपेश में जितनी चीज़ें हैं उनको पैदा करने वाला खुद इंसान है या खुदा? इन सब चीज़ों को इंसान के लिए मुफीद और कारामत बनाना और इंसान को इनके इस्तेमाल की कुव्वत देना इंसान का अपना काम है या खुदा का? तुम कहोगे ये सब चीज़ें खुदा की हैं, खुदा ही ने इनको पैदा किया है, खुदा ही इनका मालिक है और खुदा ही की बख्शिश से ये इंसान को हासिल हुई हैं। जब असल हकीकत ये है तो उससे बड़ा बागी कौन होगा जो खुदा के दिए हुए दिमाग से ही खुदा के खिलाफ सोचने की खिदमत ले, खुदा के बख्शे हुए दिल में खुदा ही के खिलाफ ख्यालात रखे। खुदा ने जो आँखें, जो ज़ुबान, जो हाथ पांव और जो चीज़ें उसको अता की हैं उनको खुदा ही की पसंद और उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करे। अगर कोई मुलाजिम अपने आका का नमक खाकर उससे बेवफाई करता है तो तुम उसको नमक हराम कहते हो। अगर कोई सरकारी अफसर हुकूमत के दिए हुए इख्तियारात को खुद हुकूमत ही के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो तुम उसे बागी कहते हो। अगर कोई अपने मोहसिन से दगा करता है तो तुम उसे एहसान फरामोश कहते हो। लेकिन इंसान के मुकाबले में इंसान की नमक हरामी, गद्दारी और एहसान फरामोशी की क्या हकीकत है? इंसान को कहाँ से रिस्क देता है? वो खुदा का दिया हुआ रिस्क ही तो है। हुकूमत अपने मुलाजमों को जो इख्तियार देती है वो कहाँ से आए हुए हैं? खुदा ही ने तो उसको फरमानरवाई की ताकत दी है। कोई एहसान करने वाला दूसरे शख्स पर कहाँ से एहसान करता है? सब कुछ खुदा ही का तो बख्शा हुआ है। इंसान पर सबसे बड़ा हक उसके माँ बाप का है, मगर माँ और बाप के दिल में औलाद के लिए मोहब्बत किसने पैदा की? माँ के सीने में दूध किसने उतारा? बाप के दिल में यह बात किसने डाली कि अपने गाढ़े पसीने की कमाई गोश्त पोस्त के एक बेकार लूथड़े पर खुशी खुशी लुटा दे और उसकी परवरिश और तालीम और तरबियत में अपना वक्त, अपनी दौलत, अपनी आसाइश सब कुछ कुर्बान कर दे? अब बताओ कि जो इंसान का असली मोहसिन है, हकीकी बादशाह है, सबसे बड़ा परवरदिगार है, अगर उसी के साथ इंसान कुफर करे, उसको खुदा ना माने, उसकी बंदगी से इनकार करे और उसकी अताअत से मुंह मोड़े तो ये कैसी सख्त बगावत है, कितनी बड़ी एहसान फरामोशी और नमक हरामी है। कहीं ये ना समझ लेना कि कुफर से इंसान खुदा का कुछ बिगाड़ता है। जिस बादशाह की सल्तनत इतनी बड़ी है कि हम बड़ी से बड़ी दूरबीन लगाकर भी अब तक ये मालूम ना कर सके कि वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, जिस बादशाह की ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि हमारी ज़मीन और सूरज और मरीख और दीगर सैारे इसके इशारों पर गेंद की तरह फिर रहे हैं, जिस बादशाह की दौलत ऐसी बेपाया है कि सारी कायदात में जो कुछ है उसी का है, उसमें कोई हिस्सादार नहीं, जो बादशाह ऐसा बेनियाज है कि सब उसके मोहताज हैं,
भला इंसान की क्या हस्ती है कि उसके मानने या ना मानने से ऐसे बादशाह का कोई नुकसान हो। उससे कुफर और सरकशी इख्तियार करके इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ता, ता खुद अपनी तबाही का सामान करता है। कुफर और नाफरमानी का लाजमी नतीजा ये है कि इंसान हमेशा के लिए नाकाम और नामुराद हो जाए। ऐसे शख्स को इल्म का रास्ता कभी ना मिल सकेगा, क्योंकि जो इल्म खुद अपने खालिक को ना जाने वो किस चीज़ को सही जान सकता है। उसकी अक्ल हमेशा टेढ़े रास्ते पर चलेगी, क्योंकि जो अक्ल खुद अपने बनाने वाले को पहचानने में गलती करे वो और किस चीज़ को सही समझ सकती है। वो अपनी ज़िंदगी के सारे मामलों में ठोकरों पर ठोकरें खाएगा, उसके अखलाक ख़राब होंगे, उसका तमद्दुन ख़राब होगा, उसकी माशरत ख़राब होगी, उसकी मईशत ख़राब होगी, उसकी हुकूमत और सियासत ख़राब होगी। वो दुनिया में बदअमनी फैलाएगा, कुछ तो खून करेगा, दूसरों के हकूक छीनेगा, जुल्म व सितम करेगा। खुद अपनी ज़िंदगी को अपने बुरे ख्यालात और अपनी शरारत और बदअमाली से अपने लिए तल्ख कर लेगा। फिर जब वो इस दुनिया से गुजर कर आखरत के आलम में पहुँचेगा तो वो सब चीज़ें जिन पर वो तमाम उम्र जुल्म करता रहा था उसके ख़िलाफ़ नालिश करेंगी। उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी आँखें, उसके कान, उसके हाथ पांव, गर्ज उसका रोंगटा रोंगटा खुदा की अदालत में उसके ख़िलाफ़ इस्तगासा करेगा कि इस जालिम ने तेरे ख़िलाफ़ बगावत की और इस बगावत में हमसे ज़बरदस्ती काम लिया। वो ज़मीन जिस पर वो नाफरमानी के साथ चला और बसा, वो रिज्क जिसको उसने नाजायज़ तरीक़ों से कमाया, और वो दौलत जो हराम से आई और हराम पर खर्च की गई, वो सब चीज़ें जिन पर उसने बागी बनकर गासिबाना तसरफ़ किया, वो सब आलात व असबाब जिनसे उसने उस बगावत में काम लिया, उसके मुकाबले में फरियादी बनकर आएंगी, और खुदा जो हकीकी मुनसिफ है इन मजलूमों की दाद रसी में उस बागी को जिल्लत की सज़ा देगा। इस्लाम के फ़ायदे ये हैं, कुफर के नुकसानात। आओ अब एक नज़र ये भी देखो कि इस्लाम का तरीका इख्तियार करने में क्या फ़ायदा है। ऊपर तुमको मालूम हो चुका है कि इस जहान में हर तरफ खुदा की खुदाई के निशानात फैले हुए हैं। कायनात का ये अजीम शान कारनामा जो एक मुकम्मल निज़ाम और एक अटल कानून के तहत चल रहा है, ख़ुद इस बात पर गवाह है कि उसका बनाने वाला और चलाने वाला एक ज़बरदस्त फरमा रवा है, जिसकी हुकूमत से कोई चीज़ सरताबी नहीं कर सकती। तमाम कायनात की फितरत की तरह इस इंसान की फितरत भी यही है कि उसकी अताअत करे। चनाचे बेसमझे वो दिन रात इसकी अताअत कर ही रहा है, क्योंकि उसके कानून कुदरत की खिलाफवर्जी करके वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन खुदा ने इंसान को इल्म की काबिलियत, सोचने और समझने की कुव्वत और नेक और बद की तमीज़ देकर इरादे और इख्तियार में थोड़ी सी आज़ादी बख्श दी है। इस आज़ादी में दरअसल इंसान का इम्तिहान है, उसकी अक्ल का इम्तिहान है, उसकी तमीज़ का इम्तिहान है, और इस बात का इम्तिहान है कि उसे जो आज़ादी अता की गई है उसको वो किस तरह इस्तेमाल करता है। उस इम्तिहान में कोई एक तरीका इख्तियार करने पर इंसान को मजबूर नहीं किया गया है, क्योंकि मजबूर करने से इम्तिहान का मकसद ही फोत हो जाता है। तुम समझ सकते हो कि इम्तिहान में सवालात का पर्चा देने के बाद अगर तुमको एक ख़ास जवाब देने पर मजबूर कर दिया जाए तो ऐसे इम्तिहान से कोई फ़ायदा ना होगा। तुम्हारी असल काबिलियत तो उसी वक्त खुलेगी जब तुमको हर किस्म का जवाब देने का इख्तियार हासिल हो। अगर तुमने सही जवाब दिया तो कामयाब हो जाओगे और आइंदा तरक्कियों का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुल जाएगा, और अगर गलत जवाब दिया तो नाकाम होगे और अपनी नाकाबिलियत से ख़ुद ही अपनी तरक्की का रास्ता रोक लोगे। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने भी अपने इम्तिहान में इंसान को आज़ाद रखा है कि जो तरीका चाहे इख्तियार करे। अब एक शख्स तो वो है जो खुद अपनी और कायनात की फितरत को नहीं समझता, अपने खालिक की ज़ात और सिफात को पहचानने में गलती करता है, और इख्तियार की जो आज़ादी उसे दी गई है उससे फ़ायदा उठाकर नाफरमानी और सरकशी का तरीका इख्तियार करता है। ये शख्स इल्म और अक्ल और तमीज़ और फ़र्ज शनासी के इम्तिहान में नाकाम हो गया। इसने खुद साबित कर दिया कि वह हर हैसियत से अदना दर्जे का आदमी है, लिहाजा इसका वही अंजाम होना चाहिए जो तुमने ऊपर देख लिया। इसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है जो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया। उसने इल्म और अक्ल से सही काम लेकर खुदा को जाना और माना, हालांकि वो ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया गया था। उसने नेक और बद की तमीज़ में भी गलती ना की और अपने आज़ाद इंतखाब से नेकी ही को पसंद किया, हालांकि वो बदी की तरफ भी मायल होने का इख्तियार रखता था। उसने अपनी फितरत को समझा, अपने खुदा को पहचाना, और नाफरमानी का इख्तियार रखने के बावजूद खुदा की फरमाबरदारी ही इख्तियार की।
इस शख्स को इम्तिहान में इसी वजह से तो कामयाबी नसीब हुई कि उसने अपनी अकल से ठीक काम लिया, आँखों से ठीक देखा, कानों से ठीक सुना, दिमाग से ठीक राय कायम की और दिल से इसी बात की पैरवी करने का फ़ैसला किया जो ठीक थी। उसने हक को पहचान कर यह भी साबित कर दिया कि वह हक शनास है और हक के आगे सर झुका कर यह भी दिखा दिया कि वह हक परस्त है। जाहिर है कि जिस शख्स में यह सिफात मौजूद हों उसको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होना ही चाहिए। वो इल्म और अमल के हर मैदान में सही रास्ता इख्तियार करेगा, इसलिए कि जो शख्स ज़ाते खुदावंदी से वाकिफ़ है और उसकी सिफात को पहचानता है वो दरअसल इल्म की इब्तिदा को भी पहचानता है और उसकी इंतहा को भी। ऐसा शख्स कभी गलत रास्तों में भटक नहीं सकता क्योंकि उसका पहला कदम भी सही पड़ा है और जिस आखिरी मंजिल पर उसे जाना है उसको भी वो यकीन के साथ जानता है। अब वो फ़लसफियाना गौर खोज से कायनात के असरार समझने की कोशिश करेगा, मगर एक काफिर फ़लसफ़ी की तरह कभी शकूक व शुबहात की भूल भुलैयों में गुम न होगा। वो साइंस के ज़रिए से कुदरत के कवानीन को मालूम करने की कोशिश करेगा, कायनात के छुपे हुए ख़जानों को निकालेगा, खुदा ने जो कुव्वतें दुनिया में और ख़ुद इंसानों के वजूद में पैदा की हैं इन सब को ढूंढ ढूंढ कर मालूम करेगा। ज़मीन व आसमान में जितनी चीज़ें हैं उन सब से काम लेने के बेहतर से बेहतर तरीके दरियाफ्त करेगा, मगर खुदा शनासी हर मौका पर इसको साइंस का गलत इस्तेमाल करने से रोकेगी। वो कभी इस गलत फहमी में ना पड़ेगा कि मैं इन चीज़ों का मालिक हूँ, मैंने फितरत पर फतह पा ली है, मैं अपने नफ़ा के लिए साइंस से मदद लूँगा, दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर दूँगा, लूट मार और किश्तो खून करके अपनी ताकत का सिक्का सारे जहान में बिठा दूँगा। ये एक काफिर साइंसदान का काम है। मुस्लिम साइंसदान जितना ज़्यादा साइंस पर अबूर हासिल करेगा उतना ही ज़्यादा खुदा पर उसका यकीन बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा वो खुदा का शुक्रगुजार बंदा बनेगा। उसका अकीदा ये होगा कि मेरे मालिक ने मेरी कुव्वत और मेरे इल्म में जो इजाफा किया इससे मैं अपनी और तमाम इंसानों की भलाई के लिए कोशिश करूँगा और यही उसका सही शुक्रिया है। इसी तरह तारीख, मुआशियात, सियासत, कानून और दूसरे उलूम व फ़नून में भी एक मुस्लिम अपनी तहकीक और जद्दोजहद के लिहाज से एक काफिर के मुकाबले में कम ना रहेगा, मगर दोनों की नज़र में बड़ा फ़र्क होगा। मुस्लिम हर इल्म का मुतालिया सही नज़र से करेगा, सही मकसद के लिए करेगा और सही नतीजे पर पहुँचेगा। तारीख में वो इंसान के गुज़श्ता तजुर्बों से ठीक ठीक सबक लेगा, कौमों की तरक्की और तनजली के सही असबाब मालूम करेगा, उनकी तहजीब व तमद्दुन की मुफीद चीज़ें दरियाफ़्त करेगा, उनके नेक दिल लोगों के हालात से फ़ायदा उठाएगा और उन तमाम चीज़ों से बचेगा जिनकी बदौलत पिछली कौमें तबाह हो गईं। मुआशियात में दौलत कमाने और ख़र्च करने के ऐसे तरीके मालूम करेगा जिनसे तमाम इंसानों का भला हो, ना ये कि एक फ़ायदा और बहुतों का नुकसान हो। सियासत में इसकी तमाम तवज्जो इस तरफ होगी कि दुनिया में अमन, अदल और इंसाफ और नेकी शराफत की हुकूमत कैसे हो, कोई शख्स या कोई जमात खुदा के बंदों को अपना बंदा ना बनाए, हुकूमत और उसकी तमाम ताकतों को खुदा की अमानत समझा जाए और बंदगाने खुदा की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। कानून में वो इस नज़र से गौर करेगा कि अदल और इंसाफ के साथ लोगों के हुकूक मुकर्रर किए जाएँ और किसी सूरत से किसी पर जुल्म ना होने पाए। मुस्लिम के अखलाक में खुदा शनासी, हक शनासी, खुदा तरसी और रास्तबाजी होगी। वो दुनिया में ये समझ कर रहेगा कि सब चीज़ों का मालिक खुदा है, मेरे पास और सब इंसानों के पास जो कुछ है खुदा ही का दिया हुआ है, मैं किसी चीज़ का हत्ता के खुद अपने जिस्म और जिस्मानी कुव्वतों का भी मालिक नहीं हूँ, सब कुछ खुदा की अमानत है और इस अमानत में तसर्रुफ करने का जो इख्तियार मुझको दिया गया है उसको खुदा ही की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन खुदा मुझसे अपनी ये अमानत वापस लेगा और इस वक्त मुझको एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। ये समझकर जो शख्स दुनिया में रहे उसके अखलाक का अंदाज़ा करो, वो अपने दिल को बुरे ख्यालात से पाक रखेगा, वो अपने दिमाग को बुराई की फ़िक्र से बचाएगा, वो अपनी आँखों को बुरी निगाह से रोकेगा, वो अपने कानों को बुराई सुनने से बाज रखेगा, वो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करेगा ताकि उससे हक के ख़िलाफ़ कोई बात ना निकले, वो अपने पेट को हराम के रिस्क से भरने के बजाय भूखा रहना ज़्यादा पसंद करेगा, वो अपने हाथों को जुल्म के लिए कभी ना उठाएगा, वो अपने पाँव को बुराई के रास्ते पर कभी ना चलाएगा,
वो अपने सर को बातिल के सामने कभी ना झुकाएगा, खा वो काट ही क्यों ना डाला जाए। वो अपनी किसी ख्वाहिश और किसी ज़रूरत को जुल्म और नाहक के रास्ते से कभी ना पूरा करेगा। वो नेकी और शराफत का मुजस्मा होगा, हक और सदाकत को हर चीज़ से ज़्यादा अजीज रखेगा, और उसके लिए अपनी ज़ात के हर फ़ायदे और अपने दिल की हर ख्वाहिश को, बल्कि अपनी ज़ात को भी कुर्बान कर देगा। वो जुल्म और नाराज़गी को हर चीज़ से ज़्यादा नापसंद करेगा, और किसी नुकसान के खौफ से या किसी फ़ायदे के लालच में उसका साथ देने पर आमादा ना होगा। दुनिया की कामयाबी भी ऐसे ही शख्स का हिस्सा है। इससे बढ़कर दुनिया में मुअज़्ज़ज़ और शरीफ कोई ना होगा, क्योंकि उसका सर खुदा के सिवा किसी के सामने झुकने वाला नहीं, और उसका हाथ खुदा के सिवा किसी के आगे फैलने वाला नहीं। ज़िल्लत ऐसे शख्स के पास क्यों कर भटक सकती है? उससे बढ़कर दुनिया में कोई ताकतवर भी ना होगा, क्योंकि इसके दिल में खुदा के सिवा किसी का खौफ नहीं, और उसको खुदा के सिवा किसी से बख्शिश और इनाम का लालच भी नहीं। कौन सी ताकत है जो ऐसे शख्स को हक और रास्ते से हटा सकती हो, और कौन सी दौलत है जो इसका ईमान खरीद सकती हो? इससे बढ़कर दुनिया में कोई गनी और दौलतमंद भी ना होगा, क्योंकि वो ऐश परस्त नहीं, ख्वाहिशात नफ्स का बंदा नहीं, हरीस और लालची नहीं। अपनी जायज़ मेहनत से जो कुछ कमाता है उसी पर कनात करता है, और नाजायज़ दौलत के ढेर भी अगर उसके सामने लगा दिए जाएं तो उनको हकारत से ठुकरा देता है। ये इत्मीनान की दौलत है, जिससे बड़ी कोई दौलत इंसान के लिए नहीं हो सकती। इससे बढ़कर दुनिया में कोई महबूब और हर दिल अजीज़ भी ना होगा, क्योंकि वो हर शख्स का हक अदा करेगा और किसी का हक ना मारेगा। हर शख्स से नेकी करेगा और उसके बदले में अपने लिए कुछ ना चाहेगा। लोगों के दिल आपसे आप उसकी तरफ खींचेंगे, और हर शख्स उसकी इज्जत और मोहब्बत करने पर मजबूर होगा। उससे बढ़कर दुनिया में किसी का एतबार भी ना होगा, क्योंकि वो अमानत में खयानत नहीं करेगा, सदाकत से मुंह नहीं मोड़ेगा, वादे का सच्चा और हर मामले का खरा होगा, और हर काम में ये समझकर ईमानदारी बरतेगा कि कोई और देखने वाला हो या ना हो, मगर खुदा तो सब कुछ देख रहा है। ऐसे शख्स की साख का क्या पूछना, कौन है जो उस पर भरोसा ना करेगा? एक मुस्लिम की सीरत को अच्छी तरह समझ लो तो तुमको यकीन आ जाएगा कि मुस्लिम कभी दुनिया में जलील और महकूम और मगलूब बनकर नहीं रह सकता। वो हमेशा गालिब और हाकिम ही रहेगा, क्योंकि इस्लाम जो सिफात उसमें पैदा करता है उस पर कोई कुव्वत गालिब नहीं आ सकती। इस तरह दुनिया में इज्जत और बुजुर्गी के साथ ज़िंदगी बसर करने के बाद जब वो अपने खुदा के सामने हाजिर होगा तो उस पर खुदा अपनी नेमतों और रहमतों की बारिश करेगा, क्योंकि जो अमानत उसके सुपुर्द की गई थी उसका पूरा पूरा हक उसने अदा कर दिया, और जिस इम्तिहान में खुदा ने उसको डाला था उसमें वो पूरे पूरे नंबरों के साथ कामयाब हुआ। ये अबदी कामयाबी है जो दुनिया से लेकर आखरत तक मुसलसल चली जाती है और कहीं उसका सिलसिला ख़त्म नहीं होता। ये इस्लाम है, इंसान का फितरी मज़हब। ये किसी कौम और मुल्क के साथ ख़ास नहीं, हर ज़माने और हर कौम और हर मुल्क में जो खुदाशनास और हक पसंद लोग गुजरे हैं उन सब का यही मज़हब था। वो सब मुस्लिम थे, खाम की ज़ुबान में उस मज़हब का नाम इस्लाम हो या कुछ और।